अब हम देख लेते हैं नाउन केस। नाउन केस जो है तीन प्रकार के होते हैं। देर इज थ्री टाइप्स ऑफ नाउन केस। फर्स्ट नॉमिनेटिव केस जिसको कर्ता कारक कहते हैं, सेकंड ऑब्जेक्टिव केस जिसको कर्म कारक कहते हैं, थर्ड पॉजेसिव केस जिसको संबंध कारक कहते हैं। तो वन बाय वन इनको देख लेते हैं हम कैसे यूज होता है इनका। जैसे बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो फ्लाई वर्ब है, इसका सब्जेक्ट जो है बर्ड्स है, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस में ये कर्ता नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है यहाँ पर कर्ता कारक के रूप में, सब्जेक्ट टू द वर्ब फ्लाई। सेकंड देख लेते हैं द पुलिसमैन कॉट ए थीप, या वर्ब कॉट है, इसके ऑब्जेक्ट के रूप में ए थीप यूज हुआ है, तो ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब है यहाँ पर। नेक्स्ट है बॉयज आर इन द रूम, लड़के जो हैं रूम में हैं, ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन इन, यहाँ जो प्रीपोजिशन इन है इसके ऑब्जेक्ट के रूप में जो है यूज हुआ है। तो इस तरह दो तरह इसको जो नॉमिनेटिव केस है इसका यूज किया जा सकता है। जैसे एज ए सब्जेक्ट, एज ए, जैसे पहले बताया था आपको, जो ऑब्जेक्टिव केस है इसको दो तरह से यूज कर सकते हैं, एज ए वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में और एज ए प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो पॉजेसिव केस देख लेते हैं, राम्स डॉग इज लेम, राम का जो कुत्ता है लंगड़ा है, तो यहाँ पर ये पोजेसर ऑफ ए डॉग है, तो पॉजेसिव के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है। यहाँ पर पेन ऑफ राम इस तरह भी कह सकते हैं, ऑफ लगा के हम, तो इसको इस तरह भी कह सकते हैं, राम्स पेन, राम का पेन। बुक ऑफ ए गर्ल, लड़की की किताब, तो इसको ये भी कह सकते हैं, ए गर्ल्स बुक, एक लड़की किताब। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगा के इसको जो है इसका काके की जो होता है इसका संदर्भ, तो उसमें हम पॉजेसिव के संबंध कारक बना सकते हैं। तो इसके अन्य रूल देख लेते हैं नाउन केस जो है। इसमें फर्स्ट रूल है बाई एडिंग एन एपोस्ट्रोफी ओनली टू प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस, जो नाउन एंड होते हैं से प्लूरल बनता है जिनका इजिंग साउंड आता है, जिनमें इजिंग साउंड इस, जैसे बॉयज, गर्ल्स, पेंस, जो प्लूरल जिनके एस से बनते हैं इजिंग साउंड रहता है उनमें केवल हम एपोस्ट्रोफी ही लगाएंगे उसका जो है, और कुछ नहीं लगाएंगे उसमें। जैसे काउज एपोस्ट्रोफी लगा दिया यहाँ पे, टेल्स, गर्ल्स, बॉयज, पेंस, तो यहाँ पर इनके साथ हम केवल एपोस्ट्रोफी लगाएंगे प्लूरल के साथ इनके साथ। और सेकंड जो है टाइम, स्पेस और वेट है जो, उनके साथ भी जो है ये एपोस्ट्रोफी लगता है, जैसे 2 months लीव, 2 days नोटिस, तो इसमें इसिंग साउंड हमने मेनली ध्यान रखना है, मंथ्स डेज इसमें इसिंग साउंड है सारा पीछे, तो एपोस्ट्रोफी लगा देंगे हम प्लूरल के साथ। तो थर्ड है इसका पर्सनिफाइड, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मानवीकरण की जिनका किया जाता है। मानवीकरण क्या होता है, जहाँ जड़ चेतन प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप हो वहाँ पर जो है पर्सनिफाई होता है उसको, जैसे डेथ्स कॉल, मर्सीज शेक, तो इस तरह से जो एपोस्ट्रोफी का हम यूज कर सकते हैं इसमें नाउन केस में। इसके अलावा कुछ अन्य केस भी हैं जिनका पॉजेसिव केस हम बना सकते हैं, वो केवल फिक्स हैं, जैसे फिक्स फ्रेजेज हैं, विट्स एंड हर्ट्स, कंटेंट, बोट्स क्रू, ये फिक्स हैं, कुछ ही दो चार शब्द हैं अगर पूछे जाएंगे ये फ्रेज में से, इनमें से पूछे जाएंगे। और कुछ न्यूट्रल जेंडर है जो उनका भी पॉजेसिव केस बना सकते हैं हम, ये कुछ ही है, लिमिटेड है ये भी, जैसे अर्थ्स, ये जो है अर्थ्स, बर्निंग लंग्स, सन्स, लाइट, मार्स, इन्वायरमेंट, तो ये फिक्स हैं, ये कुछ ही शब्द हैं, इन्हें चुने अगर पूछेगा तो पॉजेसिव केस इन्हीं में से पूछेगा, तो इस तरह से इनका हम बना सकते हैं एपोस्ट्रोफी जो है लगा के इनको। तो इसमें जो न्यूट्रल जेंडर है इसके एक्सेप्शन जो है मैस्कुलिन और फेमिनिन माने जाते हैं, तो इनका जब हम मानवीकरण कर देते हैं तो ये इनका जो है प्रयोग बदल जाता है, तो वहाँ पर इट्स न लगाकर हम ही जे आर लगाते हैं अकॉर्डिंग टू मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर। देख लेते हैं, जैसे मैस्कुलिन जेंडर माना जाता है स्ट्रेंथ वो शो करने वाली चीज़ें, वायलेंस शो करने वाली, करेज शो करने वाली, जैसे एंगर है, डेथ है, ओशियन है, सन है, रिवेंज है, तो उसमें जो है हम इट्स की जगह हिज का प्रयोग करेंगे, जैसे डेथ लेज इट्स आइसी हैंड ऑन मोनरेक्स इवन, तो यहाँ पर जो इट्स का प्रयोग हुआ है गलत है,
इसकी जगह जो है हिज का प्रयोग हुआ, डेथलेस हिज आई सी हैंड ऑन मोनरेक्स इवन, तो ये नीचे वाला जो है सही हो जाएगा, इसकी जगह इट्स की जगह हिज आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका मानवीकरण कर दिया गया है, मानवीकरण अलंकार है इसमें। तो फेमिनिन में जैसे देख लेते हैं जो चीज़ें ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेस, वीकनेस को शो करती हैं, कोमलता को शो करती हैं, तो उसके लिए जो है वो स्त्रीलिंग में जो इसका प्रयोग होगा, जो न्यूट्रल जेंडर है, वैसे तो वह उसका प्रयोग नहीं होता है मैस्कुलिन और फेमिनिन में, क्योंकि वो नपुंसक होता है, उसमें कोई उसका लिंग निर्धारित नहीं है। लेकिन जब मानवीकरण कर दिया जाता है तो मैस्कुलिन और फेमिनिन में उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे मून है, पीस है, मर्सी है, स्प्रिंग है, नेचर है, होप है, अर्थ है, ऐसे भी जेंटलनेस को शो करते हैं तो वीकनेस को, तो ये स्त्रीलिंग में काउंट होंगे। जैसे द मून हाइड इट्स ब्यूटीफुल फेस बिहाइंड द वेल ऑफ डार्क क्लाउड्स, यहाँ ईर्ष्या है तो ये नहीं आएगा, इसकी जगह हर आ जाएगा। द मून हाइड हर ब्यूटीफुल फेस बिहाइंड द वेल ऑफ द डार्क क्लाउड्स, तो इस तरह से इसका हम जो है प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेचुरल, वैसे जो नेचुरल होती हैं, जैसे नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, जैसे देख लेते हैं हम, जैसे द टेबल्स, द टेबल्स लेग, तो निर्जीव वस्तुओं के साथ है, मैं एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, तो इनका अगर हमें बनाना आता है द लेग ऑफ द टेबल कर देंगे, द लेग ऑफ द टेबल, तो इस तरह से ये करेक्ट होगा। निर्जीव वस्तुओं के साथ हम जो है एपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज करेंगे, केवल तभी जो विशेष परिस्थितियाँ जो होती हैं उसमें ही जो है मानवीकरण करते हैं, तभी हम मेल और फीमेल में उसका प्रयोग करते हैं, और वैसे जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते, ऑफ लगा के हम इनका प्रयोग करते हैं, द लेग ऑफ द टेबल, तो इस तरह से हम जो है इनका प्रयोग कर सकते हैं।